मित्रों, आज मैं आपके लिए इस पुस्तक का रिव्यू लेकर आया हूँ। यह सरल सर्वदेव प्रतिष्ठा पुस्तक का नाम है ये, तो इसका रिव्यू हम आज करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सरल देव प्रतिष्ठा ये पुस्तक है, सरल देव प्रतिष्ठा। अंदर से सरल सर्वदेव प्रतिष्ठा विष्णु याग समन्विता भाषा विधान संहिता रचयिता धीर धुरंधर स्वर्गीय पंडित रणी धरणीधर शास्त्री काव्यतीत अजमेर राजस्थान। प्रधान संपादक संशोधक डॉक्टर पुष्पेंद्र पाठक ज्योतिष रत्न। प्रकाशक सुरेश बंजाली माहेश्वरी। आर्य प्रदर्श बुकसेलर्स रजिस्टर्ड है, पुरानी मंडी अजमेर। संशोधित प्रसंस्करण है, मूल्य है 100 रुपये। ये इसके संयोजक आदि हैं, आशीर्वाद जिनका प्राप्त है। ये स्वामी जी का आशीर्वाद इसमें दिया हुआ है। श्री अनंत श्री विभूषण जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री जी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का। और ये विषय सूची है, देखने में पुस्तक ऐसी लगती है, ये देखें आप पीछे से ऐसी है। और ये इसका इधर 50 रुपये मूल्य डरा, लेकिन ये 100 रुपये की ही मिलती है, क्योंकि अंदर 100 रुपये डला मूल्य। और काफ़ी मोटी पुस्तक है, आप देखें। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या है प्रारंभ से। इसमें सरल सर्वदेव प्रतिष्ठा के आधार स्तंभ, ये जिन्होंने पुस्तक लिखी है या सहयोग दिया है उनके विषय में दिया है। और ये अनंत भूषण श्री जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री जी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का उद्बोधन है, आशीर्वचन है। और ये है विषय सूची, पेज नंबर 4 पे ये विषय सूची है, सरल सर्वदेव प्रतिष्ठा की विषय सूची। तो पहले 2 पेज पर भूमिका है, मंगलाचरण 7 पेज पर है, मंडपार्थ भूशुद्धि 7 पेज पर है, मंडप निर्माण 11 पर, तोरण आदि 13 पर, पताका का रंग 14 पर, स्तंभों पर वस्त्र रंग 15 पर, हेमाद्रि स्नान आदि 16 पर, 10 विधि स्नान 17 पर, हेमाद्रि संकल्प 19 पर, स्नानांग तर्पण 28 पर, प्रायश्चित हवन पूजन 29 पर, पुरुषोक्तम 30 पर, अग्नियाधानादि 33 पर, ब्रह्मकूर्च हवनादि 34 पर, प्रायश्चित हवनादि 36 पर, वेदी के पास दृशुक्त 39 पर, गणेशादि स्मरण 41 पर, संकल्प 42 पर, दीक्ष ग्रहणादि 44 पर, वरुणा वाहन पूजा 45 पर, दीप पूजा 47 पर, गणपति पूजन 47 पर, कलश स्थापन है। तो ये पेज नंबर आप देखते जाएं साथ में। कलश प्रार्थना पुण्यावाचन विश्व देवाकरण प्रायश्चित षड विनायक पूजा मातृका पूजन आयुष मंत्र जप नांदी श्राद्ध ब्राह्मण वर्ण आदि जल यात्रा कलश जलस्थल जीव मातृ पूजा क्षेत्रपाल जलाशय पूजन नव कलश स्थापन मार्ग में भैरव पूजा मंडप प्रवेश दीक्षा ग्रहण। इसमें बहुत ही क्रम से सब चीज़ें दी हैं। प्रथम धान्यादि भाषा मंडप प्रवेशांतर भद्र सूक्त पाठम गणेश गौरी पूजन गुरु वंदना प्रधान संकल्प आदि ये दिए हैं। द्वादश विनायक पूजा ये 95 पेज पर है। द्वादश विनायक आसन षोडश मातृका सप्त मातृका पूजन कलश स्थापन स्पष्टीकरण देव वास्तुमंडल पूजा वास्तु पूजन खाता निर्णय योगनी सर्प पूजन क्षेत्रपाल स्थापन पूजन षोडश स्तंभ पूजा और तोरण कलश स्थापन सर्वतोभद्र मंडालिका सर्वतोभद्र देवता चतुर्लिंगतोभद्र कारिका लिंगतोभद्र देवता और कुंड स्वरूप पूजन मेखला पूजन योनि नाभि कंठ पूजा कुशकंडिका अग्निस्थापन नवग्रह स्थापन अधिदेवता आदि पूजन प्रत्यादिदेव पूजन पंचलोकपाल पूजन दिक्पाल क्षेत्रपाल रुद्रकलश शेष कुंडिका हवनारंभ अग्नि पूजा सप्तजिह्वा पूजा पंचवारणी होम नवाहुतयः आदिदेव हवन प्रत्यादिदेव पंचलोकपाल वास्तु होम सर्वतोभद्र होम लिंगतोभद्र दस दिक्पाल होम अन्य देवता होम योगिनी होम क्षेत्रपाल होम प्रधान देवता होम गायत्री हवन। ग्रहों के लिए बलिदानम दिक्पाल बलिदान क्षेत्रपाल बलिदान पूर्ण होती कृतधारा स्रव शेष त्याग अग्निस्थापन आरती पुष्पांजलि प्रदक्षिणा पूर्ण पात्र दान आदि अवभृत स्नानादि गृहादि विसर्जनम जलादिवास ये जलादिवास दिए ये भी होती हैं प्रतिष्ठा में। देव स्वप्न प्रयोग देव स्वप्न विधि नेत्रोन्मील संस्कार महास्नान अन्नादिवास सैयादिवास प्राण प्रतिष्ठा ये प्राण प्रतिष्ठा 249 पेज से यहाँ से आप ये और पूजा तो आप और चीज़ें तो आप सब समझते ही होंगे, जैसे कि पीठों की पूजन आदि हवन आदि यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र आदि दी हैं वो इसमें आप देखकर करें। ये हैं 249 में, अभी खोलकर भी अंदर पृष्ठों पर भी बताऊँगा पुस्तक खोलकर। षडन्यास षोडश अंगन्यास विष्णु न्यास अग्नि देवताओं के न्यास सब प्रतिष्ठा न्यास विशेष न्यास आदि हनुमान न्यासा राधा कृष्ण प्रतिष्ठा आदि में ध्वजारोहण आदि दिए हैं इसमें। विष्णु याग विधानम विधान सहित पूजा होम आदि और ग्रंथकर्ता का परिचय।
तो ये इसकी विषय सूची भी है इस पुस्तक की। सरल सर्वदेव प्रतिष्ठा पद्धति, ये मंगलाचरण आदि हैं यहाँ पर, ये मंडपार शुभुशुद्धि आदि है। तो ये आप अंदर देख सकते हैं, मैं 249 पेज से आपको थोड़ा पुस्तक खोल के बता देता हूँ, जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा आदि के विषय में दिया हुआ है। 249 पृष्ठ ये देखिए नूतन मूर्ति नाम प्रतिष्ठापन, ये देखिए 249। अथ प्राण प्रतिष्ठा, यदि आचार्य भी अपनी भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा पहले कर ले तो उत्तम है। एतत् मेरी बनाई सरल सर्वज्ञ मीमांसा आर ब्रदर्स बुकसेलर्स अजमेर से देखें। तो यहाँ दूसरी पुस्तक का भी नाम दिया, जिसमें से आप उसे भी खरीद कर मूल्य 200 रुपये उसमें देख कर शुद्धि आदि कर सकते हैं। उसके बाद में ये मंत्र आदि बोलना है, आचमन प्राणायाम करना है, तो यहाँ से आप पढ़ के पूरी प्रतिष्ठा को अथ प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ, ये मंत्र विनियोग आदि करनी है। काफ़ी उपयोगी पुस्तक है और ये देखने में ऐसी लगती है, ये पीछे से है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पुस्तक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। और ये देखिए, इसमें कुछ निशान भी लगाए हैं मैंने, मैं यूज करता हूँ तो वहाँ मैं निशान लगा लेता हूँ। ये देखिए, अथ नवग्रह आदि विसर्जयेत, ये लिखा है यहाँ पर। और मार्कंडेय पुराण जलादिवास, ये जलादिवास होता है, यहाँ से जल में वास कराया जाता है भगवान को। शपत्नी यजमान कारुशाला में जाकर कुशासन पर बैठकर आचमन प्रणाम करके ब्राह्मण द्वारा शांति पाठ करवाकर संकल्प करें, यहाँ शांति पाठ आदि होता है। और उसके बाद में ये जलादिवास आदि ये क्रियाएँ होती हैं। तो ये पुस्तक है, उम्मीद है आपको पुस्तक का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट में जाकर और पुस्तक के रिव्यू भी आप देख सकते हैं। और आप और किन किन पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं और किन पुस्तकों का रिव्यू आप जानना चाहते हैं, कमेंट करें, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।